हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक ही होंगे और घर पे ही होंगे। आज मैं आपके साथ जैकलिन फर्नांडिस का ये इंस्पायर मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, जो उनका रिसेंट में सॉन्ग लॉन्च हुआ था उन्होंने उसमें कर रखा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र। मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बोरोलिन यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा वर्क करता है। अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ। उसे यूज़ करने के बाद अपवर्ड मोशन में आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे मैंने पतंजलि सौंदर्य केसर चंदन एलोवेरा जेल लिया। ये एज अ प्राइमर वर्क भी करता है, एज अ मेरे फेस को हाइड्रेट भी रखता है। इसलिए मुझे ये स्टेप अच्छा लगता करने में, इसलिए मैं इस स्टेप को हर वीडियो में इंक्लूड करती हूँ करना। ऐसा सच उनका आई मेकअप लुक उतना समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जितना मुझे समझ में आया मैंने वैसा ही क्रिएट किया। पहले मैंने आई मेकअप लुक क्रिएट किया, मैंने इसमें मैं ऐसे पा कलर्स का रॉक न्यूड पैलेट ले रही हूँ। उसमें से डार्क ब्राउन कलर को लेकर मैं अपनी आई ब्रोज फिल कर रही हूँ। आईब्रो के लिए आप ब्राउन कलर, ग्रे कलर ही यूज़ करें, ब्लैक कलर यूज़ मत करें, क्योंकि ब्लैक कलर और अजीब लगता है, डार्क डार्क लगती है आईब्रोज। और जैकलिन फर्नांडिस की ना आँख वाली आईब्रो है, मेरी तो वैसी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करी है कुछ हो सके। आई होप यू लाइक इट। मैं स्पूली की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ मेरे आईब्राउ पाउडर्स को जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इधर हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया हुडा ब्यूटी न्यूड पैलेट्स। उसमें एक कंसीलर शेड भी है, मैंने उस कंसीलर शेड को एज अ आई प्राइमर यूज़ किया है, जो मेरी स्किन टोन से पूरा मैच करता है, तो इसलिए मैंने वही यूज़ किया। इधर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उस कंसीलर को मैंने जैसा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ आई प्राइमर, उसको मैं जैसे ब्लेंड कर लेती हूँ, कोई हार्श एजेस ना रही मेरी आईलिड्स पे। फिर मैंने हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट लिया, उसमें से एक ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर का था, तो मैंने उसे एज अ क्रीज कलर यूज़ किया है, क्योंकि जैकलिन फर्नांडिस का इस मेकअप लुक में उनका आईज ऑरेंज पिंक ऐसा ही कुछ टोन दिख रहा था, वैसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, जैसा मुझे लगा मैंने वैसा ही क्रिएट किया है। Thank you.
फिर उसके बाद मैं उसी पैलेट में से एक पिंक कलर है, मूवी पिंक कलर, तो मैं उसको अपनी आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। फिर मैं उसी पैलेट में से ब्राउन कलर को ले रही हूँ और क्रीज बिल्ड कर रही हूँ और अच्छे से हार्श एजेस जितने भी हैं उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, कुछ हार्श ना रहे। इसके बाद मैं ऐसे पा का ब्लश न्यूड पैलेट ले रही हूँ जिसमें से मैं एक पिंक शिमरी कलर है उसे मैं अपनी आईलेट पर प्लेस करूँगी अच्छे से। मैं उसी पैलेट में से एक रस्टी ऑरेंज कलर उसको अपने मैं आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ अच्छे से इंटेंस लुक के लिए। फिर मैं ऐसे पागा उसी पैलेट में से ब्राउन कलर को लेकर अपने आउटर इनर लैश लाइन पे यूज कर रही हूँ। अब मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलैशेस को सेपरेट करने के लिए। अब मैं फॉल्स लैशेज यूज़ कर रही हूँ ऑफ कैमरा, अब मैंने अप्लाई कर लिया है देख सकते हो आप। इसके बाद मैं फाउंडेशन की बारी है, मैं फाउंडेशन के लिए MN का फाउंडेशन यूज़ किया जिसका मेरा शेड नंबर है B। ये थोड़ा वाइट कास्ट देता है, फुल कवरेज फाउंडेशन है बट ये थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने आपके स्किन में अच्छे से तो नॉर्मल लगता है। तो मेरा फेस कितना वाइट वाइट लग रहा है मैंने ब्रश की हेल्प से यूज़ किया। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ अच्छे से उसे फेस पे डैप डैप कर रही हूँ जिससे मेरा जितना भी एक्सेस है वो अब्सॉर्ब कर ले और बाकी जितना ऑक्सीडाइज हो जाए मेरे फेस पे। एज यू कैन सी कितना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है मेरा जितना भी है और ऑक्सीडाइज भी थोड़ा बहुत हो चुका है। अब मैं पूरा जिससे पूरा फेस मेकअप कंप्लीट करूँगी तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे इसकी फिनिश अच्छी लगती है, देखिए इसमें मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और पूरा मेरे फेस से मैच हो चुका है। बाद में कॉम्पैक्ट के लिए लैक्मे रेडियंस का परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। फिर इसके बाद मैं ऐसे पार का ब्लश न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ
उसमें से ब्राउन कलर को लेके एज अ कंटूरिंग कर रही हूँ मैं। जितना भी मेरे फेस पे कंटूरिंग ज़्यादा हो गई है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, एक्सेस हट जाए। फिर मैं स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्लैट नोज़ लगे। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। ब्लश के लिए मैं स्विस बीटी का शिमा ब्रिक ले रही हूँ, उसमें से मैंने मैट पिंक कलर को लेकर अच्छे से ब्लश यूज़ किया है। एज यू कैन सी कितने अच्छे से हो रखा है। उसी में से मैं एक तीन हाइलाइटर शेड है, उसमें से एक हाइलाइटर शेड को लेकर मैं हाइलाइट यूज कर रही हूँ नोज पे, चिक बोन्स पे, क्यूपिड बो पे, ब्राउ बोन्स पे, इनर कॉर्नर्स पे, मैं हर जगह पे अपना हाईलाइट यूज कर रही हूँ। अब आती है लिपस्टिक की, मेरे फेवरेट शेड न्यूड कलर की, क्योंकि इस मेकअप लुक में भी जैकलिन फर्नांडिस ने न्यू लिपस्टिक यूज़ की थी, तो मेरे पास एग्जैक्ट शेड तो शायद मिलता जुलता यही है जैसे जो मेरे पास था, मैंने उसी को यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। इसके बाद आती है इस मेकअप की जान बिंदी की, रेड बिंदी। तो मेरे पास एग्जैक्ट रेड बिंदी थी और सेम साइज़ की थी, तो मैंने इसलिए अप्लाई किया। तो ये मेरा मेकअप लुक यहीं ख़त्म होता है। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा मेकअप लुक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।